हेलो दोस्तों, सीरीज टॉक्स में आपका स्वागत है। आप सबने शायद असुर के सीज़न 2 को देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। असुर की सीज़न 2 जो कि जियो सिनेमा पर पहले 2 एपिसोड रिलीज़ किया उन्होंने, फिर 1 एपिसोड रिलीज़ किया और उसके बाद सारे एक साथ ही कर दिए। बहुत ही सरप्राइजिंग था, बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं किया था। लेकिन दोस्तों खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वेट ज़्यादा करना नहीं पड़ा क्योंकि सीरीज़ को बिंज वॉच करके मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। सोचा आपके साथ एक क्विक रिव्यू और एक इसकी स्टोरी एक्सप्लेन कर दूँ। जाहिर सी बात है, आपको बहुत सारी स्पॉयलर्स मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों, असुर की सीजन 2 की शुरुआत बिल्कुल उसी तरीके से होती है जहां पर सीजन 1 खत्म हुई थी। शुभ जोशी, वो दोस्तों छुपा हुआ था सीजन 1 में, उसका चेहरा हमें दिखने को नहीं मिला था, लेकिन सीजन 2 के एपिसोड 4 या 5 तक आते आते आपको उनका चेहरा दिखने को मिल जाएगा। केसर जोशी जो कि पुलिस की हिरासत में रहते हैं, उनको पहले बचाने के लिए शुभ जोशी बहुत ज़रा ट्राई करते हैं। रसूल, जिन्होंने नोलाग सर को मार दिया था सीज़न 1 में, वो अभी भी ATF की इंटरनल गैंग में घुसे रहते हैं और दोस्तों वहीं से शुभ को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जाती है और साथ ही ये पता चलता है कि जो ईशानी रहती है ATF की एक और ऑफिसर, उनको रसूल का असली कैरेक्टर पता चल जाता है और उसके बाद रसूल ईशानी को भी मार देते हैं। दोस्तों वो चीज़ सीन काफ़ी ज़्यादा थोड़ी इमोशनल भी रहती है, लेकिन इसके अलावा उसके बाद सबको पता चल जाता है कि रसूल शेख ही असली मुजरिम है। और दोस्तों उसके बाद वो रसूल को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बीच में भी हमें बहुत ज़्यादा ड्रामा नज़र आता है। तो सीरीज़ बहुत ही अच्छे पेस में, हर एपिसोड में आपको थ्रिल और हर एपिसोड में आपको सस्पेंस भरपूर देती है। और दोस्तों डेफिनेटली सीज़न 1 से मुझे ज़्यादा बेटर लगी है ये सीरीज़, इसकी सीज़न 2। इस पूरी सीरीज़ में एक और चीज़ बहुत अच्छी जो मुझे लगती है वो ये है कि हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। जिस तरीके से शुभ जोशी का कैरेक्टर प्ले किया है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और ऐसे असुर और देवताओं के बारे में जितनी स्टोरीज़ और इतनी फिल्म्स और मूवीज़ हमें देखने को मिली है नहीं, ज़्यादातर रामायण महाभारत की कहानियाँ सबको पता रहती है। लेकिन दोस्तों कल्कि और कली, ये 2 की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको पूरी सीरीज़ के दौरान नज़र आएगी और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और शायद आप भी मेरे इस बात से एग्री ज़रूर करते होंगे। अब दोस्तों बात करता है सीरीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, शुभ जोशी वापस से प्लान करते हैं, वो मर्डर्स करते रहते हैं और पुलिस को हिंट देते रहते हैं। लास्ट में जाकर हमें एक पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे थे जिससे वो सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या होता है, और इसी वजह से वो सबसे आगे रहते थे, पुलिस वालों से एक कदम आगे। लेकिन ये चीज़ को फिगर आउट कर लेते हैं निखिल और DJ सर। और दोस्तों उसके बाद आपको बहुत ज़रा ड्रामा नज़र आता है जिसमें शुभ जोशी एक कैरेक्टर अनंत जो कि 11 साल का लड़का रहता है, उसके साथ डिबेट करने पे आता है और दोस्तों वहाँ पर वो रिवील करता है कि वो 2 अटैक करने वाला है, एक को बचाना होता है। तो इसी चक्कर में पूरी स्टोरी एंडिंग होने वाली होती है जब जाकर हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में सोनिक बॉम्ब्स वो प्लान करता है दोनों अटैक्स के लिए जिससे कान के फर्दे फट जाए। लेकिन दोस्तों निखिल और नुसरत जाकर हिमालय यानी कि उत्तराखंड के पास के एक विलेज में शुभ जोशी का वो बेस का पता कर लेती है और वहाँ पर जाके उन्हें डीएक्टिवेट कर देती है। लेकिन सब कुछ इतना आसानी से नहीं होता, उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको इसी दौरान बहुत ज़्यादा ड्रामा नज़र आता है। लेकिन जैसे ही लास्ट में उन्हें वो बेस मिल जाता है, वो टर्न ऑफ करने वाले होते हैं उस सोनिक बॉम्ब को, DJ सर तब कह देते हैं कि अभी इसे मत करो, 10 सेकंड और रुक जाओ। जैसे ही वो 10 सेकंड रुकते हैं तो दोस्तों हमें नज़र आ जाते हैं शुभ जोशी उसी गंगा घाट पर रहते हैं और दोस्तों अरशद वारसी उन्हें गोली मार देते हैं। दोस्तों वहीं पे स्टोरी हमें लगता है डी एंड हो जाएगी, वो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मरता है नहीं। अब दोस्तों सीज़न 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और अपडेट मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरीके से स्टोरी एंड हुई है, लास्ट में एक डायलॉग कहा था शुभ जोशी ने जिसमें उसने ये बताया था कि कली कभी मरता है नहीं, वो अपना नया शरीर दूसरे पे ले लेता है। तो दोस्तों इस डायलॉग को सुनने के बाद ये जाहिर हो जाता है कि इस बार तो असुर मर चुका है लेकिन एक नया असुर ज़रूर पैदा हो सकता है अगले सीज़न में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। ये सीरीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली बहुत अच्छी लगी है और दोस्तों जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल रही है तो आप सबको ज़रूर देखना चाहिए। और स्पॉयलर्स मैंने आपको ज़रूर दे दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, बहुत अमेजिंग सीरीज़, बहुत टाइम बाद देखिए बिंज वॉच करके 8 एपिसोड एक साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।